हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पेट्रोल इंजन के टाइप कितने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में टाइप ऑफ पेट्रोल इंजन के बारे में बताऊंगा, जो कि बेस होंगे इंजन की कॉन्फिगरेशन के अनुसार के ऊपर, यानी कि जो इंजन का जो आकार है, उसकी जो बनावट है, वो किस तरह से गाड़ी में लगा है, उसके अनुसार पेट्रोल इंजन कितने टाइप का होता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेट्रोल इंजन हमारे पांच टाइप के होते हैं। नंबर वन, स्ट्रेट इनलाइन इंजन। नंबर दो, फ्लैट बॉक्सर इंजन। नंबर तीन, वी टाइप इंजन। नंबर चार, रोटरी वेंकल इंजन। नंबर पांच, डब्ल्यू टाइप इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये पांच टाइप के आपके पेट्रोल इंजन होते हैं। आइए दोस्तों, इनके बारे में समझते हैं कि ये किस तरह से माउंटेड होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। नंबर एक, स्ट्रेट इनलाइन इंजन। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से ही मालूम हो जाता है, स्ट्रेट यानी कि सीधा, इनलाइन एक ही लाइन में। इस तरह के इंजन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कि इसमें इंजन हमारा स्ट्रेट होता है, सीधा, यानी कि ऊपर हमारा सिलेंडर हेड होगा, फिर सिलेंडर ब्लॉक और नीचे हमारा ऑयल सम या फिर क्रैंक केस। दोस्तों, इसमें जो हमारे सिलेंडर होंगे वो 1/1 होंगे, यानी कि पहले वन सिलेंडर, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इस तरह से सिलेंडर इसमें अरेंज किए होते हैं। इसमें जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होगी वो सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज होगी और सिंगल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यूज होता है। इस तरह के जो इंजन होते हैं दोस्तों, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वाल मैकेनिज्म, ब्लॉक या क्रैंकेज, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका होता है। दोस्तों, इसमें जो सिलेंडर हमारे अरेंज किए होते हैं 1/1, इसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हाई होती है, जिसके कारण ये इंजन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से इन इंजन को हम 2.5 लीटर से 3 लीटर से ऊपर के साइज में नहीं बना पाते। इसमें 2.5 लीटर और 3 लीटर का जो मीनिंग होता है, जब 1000 cc होता है तो उसको हम 1 लीटर बोलते हैं, यानी कि इसको 2500 cc से 3000 cc से ऊपर हम नहीं बना पाते। नंबर दो, फ्लैट बॉक्सर इंजन। फ्लैट बॉक्सर इंजन का जो डिज़ाइन होता है दोस्तों, वो स्ट्रेट इनलाइन इंजन से बड़ा होता है, और इसमें जो हमारे सिलेंडर होते हैं वो अपोजिट होते हैं, पिस्टन भी हमारे अपोजिट साइड में होते हैं, और इसमें हमारी कॉमन क्रैंकशाफ्ट यूज़ होती है, यानी कि इसमें हमारे दो पिस्टन होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे, एक लेफ्ट को होगा, दूसरा राइट को होगा, और बीच में हमारी सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज़ होती है, और इसमें हम दो सिलेंडर हेड यूज़ करेंगे और दो कैमशाफ्ट यूज़ होंगे दोस्तों इसमें, और इसमें दो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यूज़ होंगे। इस तरह के इंजन सुबारो कंपनी बनाती है दोस्तों। इसकी एक खास बात है कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने के कारण इसकी जो पावर आउटपुट होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, यानी कि इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं। ये इंजन आपके चौड़े होने के कारण इसका जो लेआउट होता है वो लो होता है दोस्तों। नंबर तीन, वी टाइप इंजन। इसमें दोस्तों जो इंजन की शेप होती है वो वी आकार की होती है, यानी कि इसमें जो सिलेंडर होते हैं वो वी शेप के होते हैं। अक्सर आपने एयर कंप्रेशर में भी देखा होगा कि उसमें वी शेप बनी होती है, इस तरह के हमारे वी टाइप इंजन कहलाते हैं। इसमें जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है वो सिलेंडर के 90° एंगल पर लगी होती है, और अब आपने बाइक में भी वी टाइप इंजन देखा होगा, जिसको हम वी ट्वी इंजन कहते हैं। सिलेंडर के अनुसार V6, V8, V10, V12 और V16 इंजन यूज होता है। V16 इंजन पहले की बजाय अब यूज नहीं होता, क्योंकि जितनी पावर आपका V16 इंजन प्रोड्यूस करता है, उतनी ही पावर हम V10, V12 इंजन से जनरेट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हमारी सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज़ होती हैं, और इसमें दो हमारे दो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यूज़ होंगे और दो सिलेंडर हेड यूज़ होंगे। इस तरह के इंजन दोस्तों हमारे ज़्यादातर रेसिंग गाड़ियों में देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इंजन जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होने के साथ एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू अदर इंजन। इस तरह के जो इंजन होते हैं ज़्यादातर दोस्तों MC Lern, बेंटले, BMW ज़्यादा रेसिंग गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर चार, रोटरी व्हीकल इंजन। रोटरी व्हीकल इंजन को वर्ल्ड में गैंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। व्हीकल इंजन स्मार्ट के साथ ही कम मूविंग पार्ट के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड में केवल माजदा कंपनी ही व्हीकल इंजन बनाती है, जो कि जिसका प्रोडक्शन 2012 के बाद बंद कर दिया गया है। इसका रीज़न दोस्तों ये था कि एग्जॉस्ट नॉर्म्स के ऊपर ये खरा नहीं उतर पाई, यानी कि पॉल्यूशन की अधिक मात्रा के कारण इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। व्हीकल इंजन में दोस्तों एक रोटर यूज होती है, जो कि एक त्रिकोणीय आकार की होती है, जो कि सिलेंडर के अंदर
एक राउंड में आपके चार स्ट्रोक कंप्लीट करती है सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। इसमें दोस्तों हमारी क्रैंकशाफ्ट स्थिर रहती है, यानी कि वो मूव नहीं करती, उसके अंदर रोटर मूव करती है, और रोटर के एक राउंड मूव होने पर दोस्तों एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। नंबर 5, डब्ल्यू टाइप इंजन। डब्ल्यू टाइप इंजन वोक्सवैगन ग्रुप ही बनाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस भी है। इसका यूज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुगाती वेरोन हाइपरकार में भी किया गया है, जो कि 1001 HP की पावर प्रोड्यूस करती है। डब्ल्यू टाइप जो इंजन होते हैं दोस्तों, इसमें दो सिलेंडर हेड यूज होते हैं, और इसमें की जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो कॉमन होती है, यानी कि इसमें सिंगल क्रैंकशाफ्ट यूज होती है। और इस तरह के जो इंजन होते हैं दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पेट्रोल इंजन के टाइप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी तक। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मैकेनिकल वे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।